डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की जो बुक है हिस्ट्री, उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूँ। यह चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ईटे मनके और अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। क्या है इस चैप्टर का नाम? ईटे मनके और अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर के इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है और यह पार्ट टू के क्वेश्चन है। पार्ट वन के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए हैं, विशेषकर सीबीएसई बोर्ड टर्म वन है उनके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बिहार बोर्ड, HBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड, UP बोर्ड या फिर अदर बोर्ड, जहां पर NCERT की बुक जिस स्टेट में लागू हो, यानी कि ऑल स्टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप तो आपको करना ही नहीं है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है इस चैप्टर का, राखी गढ़ी की खोज कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए 1963 ईस्वी में, ऑप्शन बी है फिर 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1922 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में हुई थी राखी गढ़ी की खोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने की थी इसकी खोज, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन सेकंड है, धौलावीरा का उत्खनन किसने किया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए JP जोशी ने, ऑप्शन बी है फिर रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ऑप्शन सी है फिर राखलदास बैनर्जी ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था धौलावीरा का उत्खनन, लेकिन इसकी खोज JP जोशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा युग था। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी है फिर पुराण पाषाण युग, ऑप्शन सी है नवपाषाण युग, ऑप्शन डी है लोह युग। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग था। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिंध पाकिस्तान, ऑप्शन बी है फिर पंजाब पाकिस्तान, ऑप्शन सी गुजरात भारत, ऑप्शन डी राजस्थान भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो है वो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे, कालीबंगा का अर्थ होता है। ऑप्शन ए काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन बी है फिर सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए काले रंग की चूड़िया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। और कालीबंगा की खोज हुई थी 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसकी खोज BB लाल और BK थापर ने की थी। किसने की थी? BB लाल, BK थापर ने इसकी खोज की थी और 1961 में की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मूरें किसकी बनी हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए तांबे की, ऑप्शन बी है फिर चांदी की, ऑप्शन सी है सेल खड़ी की, ऑप्शन डी लोहे की। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सेल खड़ी की। क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता अधिकांश जो मूरें बनी हुई थी वो बनी हुई थी सेल खड़ी की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो कृषि था, लेकिन पशुपालन भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है, आलमगीरपुर किस नदी की तट पर है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है हिंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हिंडन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा समाज प्रधान था। ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी है फिर मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर टेन है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन ए हड़प्पा,
ऑप्शन बी है फिर मोहन जोदड़ो, ऑप्शन सी है काली बंगन, ऑप्शन डी लौथल। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन जोदड़ो। क्या है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विशाल शरणागार स्थित है ऑप्शन ए हड़प्पा में, ऑप्शन बी है फिर लौथल में, ऑप्शन सी है बनावली में, ऑप्शन डी है मोहन जोदड़ो में। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन जोदड़ो में। कहाँ पर है विशाल शरणागार स्थित, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन जोदड़ो में। अगर यहाँ तक थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटे उसको भी प्रेस कर दो। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा सभ्यता में दफनाए गए शवों की दिशा थी ऑप्शन ए उत्तर से पूर्व, ऑप्शन बी है फिर पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण। क्या है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी है फिर मीताथल, ऑप्शन सी है राखी गढ़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि बनावली मीताथल और राखी गढ़ी ये तीनों स्थल हरियाणा में स्थित है और बनावली की खोज 1973 से लेकर 1974 में की थी और ये खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, जबकि मीताथल की खोज 1968 में की थी। कब की थी 1968 में की थी। और राखी गढ़ी खोज मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इसी का है। क्वेश्चन नंबर 14 है हड़प्पा संस्कृत के पतन के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी है फिर सूखा, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी हड़प्पा संस्कृत जो पतन कर रहे तीनों कारण थे, एक तो बाढ़, ऑप्शन बी है फिर सूखा, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन, तीनों ही हड़प्पा संस्कृत पतन के कारण थे। क्वेश्चन नंबर 15 है चन्हूदड़ो किस नदी की तट पर है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सतलुज। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। क्या है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी है फिर राखलदास बैनर्जी ने, ऑप्शन सी फजल अहमद ने, ऑप्शन डी रविंद्र सिंह भिस्ट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राखलदास बैनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में की थी। कब की थी 1922 ईस्वी में की थी। इस डेट को आपको याद रखना, यह भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है चावल की खेती के परिणाम मिले हैं ऑप्शन ए लौथल से, ऑप्शन बी है फिर काली बंगन से, ऑप्शन सी धोलावीरा से, ऑप्शन डी राखी गढ़ी से। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लौथल से। कहां से मिले चावल खेती के परिणाम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा लौथल से। क्वेश्चन 19 है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से डक यार्ड के अवशेष मिले हैं ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी है फिर धोलावीरा से, ऑप्शन सी लौथल से, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लौथल से। क्या है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के डक यार्ड जो अवशेष मिले वो मिले हैं लौथल से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी ऑप्शन ए ऊपर से नीचे, ऑप्शन बी है फिर नीचे से ऊपर, ऑप्शन डी है बाएं से दाएं, ऑप्शन डी है दाएं से बाएं। लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना, देखते हो कितनों का राइट आंसर ठीक आता है कितनों का गलत। अगर यहां तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी उसको भी प्रेस कर दो। अगर आपने इसकी पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।